हाय गाइज़, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज का वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मैसेज बहुत दिनों से आ रहे हैं कि दी हमें बाल स्ट्रेट करने के लिए कुछ बताइए। ही ट्रीटमेंट दिए बिना ही घर में हम अपने बालों को कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं। सो गाइज़, रेमेडीज़ तो बहुत सारी हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज एक ईजीएस्ट रेमेडी से, जो आपके बालों को स्ट्रेट करेगी। और अगर आपने पहले से ही कोई ही ट्रीटमेंट लिया हुआ है अपने बालों पर, तो ये उसको रिपेयर भी करेगी। बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको बनाना। तो चलिए फटाफट से इसको बनाते हैं, और बनाते बनाते ही मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से यूज़ करना है कि आपके बाल कंडीशन भी हो, स्ट्रेट भी हो और रिपेयर भी हो, अगर ऑलरेडी डैमेज्ड हैं तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस स्ट्रेटनिंग जेल को बनाने के लिए हम एक स्टील के बोल में लेंगे 2 टेबल स्पून फ्लैक्सीड्स। फ्लैक्सीड्स हमारे बालों के लिए तो अच्छे होते ही होते हैं, स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और अगर हम इनकी इनटेक करते हैं, यानी कि अगर इन्हें खाते हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो इसमें मैंने डाला है 1 ग्लास पानी, ऑलमोस्ट 300 ml पानी, और इसको सिम पर हमें बॉयल करना है कम से कम 10 मिनट के लिए, और धीरे धीरे बीच में हमें इसे चलाते भी जाना है, क्योंकि फ्लैक्सीड्स चिपकने लगेंगे, क्योंकि इसका जेल निकलने लगेगा, हमारा वाटर थिक होने लगेगा। बीच बीच में आप इसे चलाते जाएं, जिससे हमारे सीड्स नीचे चिपके नहीं, और 10 मिनट बाद आप गैस को बंद कर दें, और हमें इन्हें गरम गरम ही स्ट्रेन करना है, क्योंकि अगर हम इन्हें ठंडा स्ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होंगे। हमारा जेल जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे थिक होता जाएगा, इसलिए इसे गरम गरम ही हमें स्ट्रेन करना है। इसको हम स्ट्रेन करके साइड में रख लेंगे, और अब हम लेंगे 2 एलोवेरा लीव्स, जिनको मैंने 1 घंटे के लिए सीधा खड़ा करके रख दिया था, जिससे उनका येलो लिक्विड निकल कर बाहर आ जाए, और उसके बाद अच्छे से मैंने उन्हें वॉश कर लिया है। अब इन लीव्स से हम इनका जेल निकाल लेंगे। एलोवेरा हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, ये आपको पता ही होगा कि हमारे अगर डैमेज्ड बाल हैं तो उनको बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। स्कैल्प पर किसी भी तरह की इचिंग है, इन्फेक्शन है, उसको दूर करता है। तो अब ये जेल निकालने के बाद मेरे पास जो एलोवेरा लीव्स की स्किन बची है, इसमें मैं ऑलमोस्ट 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, और 1/2 कप पानी डालने के बाद ये लीव्स की जो स्किन है, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से इसमें वॉश करूँगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम पानी में राइस को वॉश करते हैं, सेम उसी तरह से वॉश करूँगी। और देखिए कितना सारा इनके अंदर जेल अभी बाकी था, तो इस तरह से हम ये बचा हुआ जेल भी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस है, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। और ये जेल वाला पानी भी मैं ब्लेंडर में डाल दूंगी, जिससे कि इसको मिक्स करके हम एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में अपने सारे जेल को ले आएं। और ये देखिए हमारा सारा जेल आ गया है वाटरी फॉर्म में। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि ना तो हमें इसका पल्प चाहिए, ना हमें इसके स्किन के पीसेस चाहिए, बिल्कुल एक क्लियर जेल चाहिए हमको। अब ये है हमारा एलोवेरा जेल, जो मैंने स्ट्रेन करके निकाल लिया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा फ्लैक्सीड जेल। देखिए ठंडा होने के बाद कितना ज़्यादा थिक हो गया है, इसलिए हमें इसे गरम गरम ही स्ट्रेन करना होता है। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी तरह से स्ट्रेन नहीं कर सकते। सो, ये दोनों जेल हमारे तैयार हैं। अब हमें इन दोनों जेल्स को एक बॉटल में फिल करना है, जिससे हम इन्हें ईजिली यूज़ कर सकें। बॉटल फ्लिप वाली होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इजीली उसमें से निकाल पाएंगे। एलोवेरा जेल फिल करने के बाद मैंने अब इसमें फ्लैक्सीड जेल भी फिल कर दिया है, और दोनों को इस बॉटल में फिल करने के बाद हमें अच्छी तरह से इसे शेक करना है। जब हम इन दोनों को अच्छी तरह से शेक करेंगे तो ये बिल्कुल एक कंडीशनर, जेल कंडीशनर वाली फॉर्म में आ जाएगा, और हमको इसको यूज़ भी बिल्कुल वैसे ही करना है। अपने बालों को शैम्पू करना है, शैम्पू करने के बाद शैम्पू निकालना है, रिंस ऑफ करना है प्लेन वाटर से, और कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है। कंडीशनर की जगह इस जेल को लेकर अपने बालों में अपनी स्कैल्प पर अच्छी तरह से 5 मिनट तक मसाज करनी है, और उसके बाद प्लेन वाटर से अपना स्कैल्प और अपने बालों को रिंस ऑफ कर देना है। अगर आप इसको लिव इन कंडीशनर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं।
आपको बस थोड़ा सा जेल अपने हाथ में लेना है और अपने बालों की लेंथ पर अप्लाई करना है, हल्का सा एक मिनट के लिए मसाज करना है और छोड़ देना है। आप देखेंगे कि आपके बाल स्मूथ हो गए हैं, फ्रिज फ्री हो गए हैं। ये धीरे धीरे आपके बालों को रिपेयर करता रहेगा और ऑलमोस्ट एक महीने बाद आप देखेंगे कि अगर आपके बाल डल थे, डैमेज्ड थे, तो ये डैमेज्ड बालों को बिल्कुल पूरी तरह से हील कर देगा। बालों को स्ट्रेट करने के लिए भी आपको इसे हर बार कंडीशनर की तरह अप्लाई करना है शैम्पू करने के बाद, और एक महीने में आप देखेंगे कि आपके बाल 70-80% स्ट्रेट हो गए हैं। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।